राहुल गांधी राम नहीं हराम है, वो तो हराम है। तो आपको क्यों बना रहे, तुम्हें राशन दिया कोरोना काल में, राशन दिया। आप बोल रहे हो मैं नौकरी को लात मारूंगा, फिर बोल रहे हो मैं बेरोजगार हूँ, जो खुद राम की धूल के बराबर नहीं है, वो आज किसी भी इंसान को उठा के राम बता देंगे, वो भी किसको, राहुल गांधी को। कि ये सारे बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं और इनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि ईमानदार आदमी को हटाया जाए। यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं हमारे, बात करेंगे इनसे कि बताइए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुकी है, अब दिल्ली पहुँच चुकी है, रेस्ट मोड पर है अभी भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेंगे राहुल गांधी? जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर बोल रहे हैं कि नफरत की दुकान में हम प्यार, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान को खोल रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी को तो पहली बात तो दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। हे भाई, बहुत सख्त आदमी है, मोदी जी नाम है इनका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये गुजरात से भागा हुआ आदमी है, आए हैं दिल्ली में घुसने, राहुल गांधी के नहीं घुसने दे रहे, इनसे डर रहे हैं, इनके दाढ़ी पर सवाल हो रहा है, इनके टी शर्ट पर सवाल हो रहा है, जैकेट पर सवाल हो रहा है, उनके कच्चे बनियान पे भी सवाल हो जाएगा, कुछ निक्करों पर सवाल हो जाएगा, जूते चप्पल पर भी सवाल होगा, मोदी जी के टोपी पर, बाल पर, दाढ़ी पर कोई सवाल नहीं हो रहा, यह मुद्दा है। गरीबी महंगाई के मुद्दे पर बात कर ले मोदी जी, हाँ बात गरीबी महंगाई बेरोजगारी की कर रहे हो, 2011 का आंकड़ा उठा लो और अभी का आंकड़ा उठा लो, तो उसमें तो ऐसा है, नीति आयोग का आंकड़े से हमें कोई लेना देना है, ये मोदी जी का फिक्स है मामला, फिक्स है नीति आयोग का, अमित पॉल का, इनका सबका डिलेशन एक ही है, समझिए। कोरोना काल में मोदी जी कहाँ गए थे? कोरोना काल में पूरे देश को उन्हें फ्री राशन बांटा, राशन अपने किसी बाप के घर से नहीं बांटा है, जनता का टैक्स का पैसा है, हाँ 5 किलो राशन तो पूरा महीना नहीं चलता, हमारे यूपी बिहार के बंदे बेचारे ले चलते चलते, इन्हें इतना धोखेबाजी, 8 बजे का उनका टाइम है लॉकडाउन करने का, रोज 8 बजे ही करते हैं, हाँ पूरा देश की जनता मर गई, रेल पटरी पर चलते चलते थक गई रेल पटरी, जब लास्ट में कांग्रेस विरोध और प्रदर्शन करने लगी तब इन्होंने ट्रेन फ्री करा, इसमें फिर इसमें दो ही आदमी अच्छा काम करा, सोनू सूद और बिहार का पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के नेता, इन्होंने फ्री करा बस में राशन पते ही सब दे कर बिहार, पैसा रुपया दे कर सब भेजा, बॉलीवुड का एक स्टार है सोनू सूद, उसने सब बिहारी यूपी वालों को भेजा, दूसरा योगी जी का यहाँ जो है ना, योगी जी का कहते थे ना हमारे दिल्ली के पार में लगा हुआ बस, वो ड्रामेबाजी था, महंगाई बेरोजगारी पर बात कर, पूरा देश को रेलवे पटरी पर चलते चलते थक गए, रेलवे पटरी पर सो गए और सोने के बाद रेल आई काट के चली गई, और पूछो। लेकिन ये तो बड़ी महामारी थी जिसमें इन लोगों ने कंट्रोल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से बेरोजगारी पर आप बात कर रहे हो, महंगाई पर बात कर रहे हो, आज के आंकड़े उठाकर देख लो और 2011 के आंकड़े उठाकर देख लो, सरकारी आंकड़े कुछ नहीं होता, आम जनता से पूछ लो, आम जनता में जो 25,000 रुपये का नौकरी है, बहुत बढ़िया कंपनी में काम करते थे, आज मुझे 8,000 मिलता है, सुनो मेरी बात, हमने नौकरी को लात मार दिया, आज बेरोजगार हूँ, हमारे पास नौकरी ना पैसा है, समझ लो 2 करोड़ नौकरी देने का मोदी जी ने वादा करा था, नौकरी कहाँ हुआ, कहाँ दिया, ये बात को बात कर ले हमारे बीजेपी वाले भाई, गलत बोल रहा हूँ? बेरोजगारी बढ़ गई है, सब बेरोजगार हो गए हैं, भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने नौकरी पे लात मार दी, तो अब मोदी तो ये बोलेगा नहीं ना कि आप लात मारो मैं लाके आपके हाथ में वापस रख दूंगा नौकरी, लात किसने मारी, इन्होंने मारी कि मोदी ने मारी? अब नौकरी आप करोगे क्या, हम 30,000 पाते थे, अब 30,000 पाते थे, अब 8,000 का नौकरी आपकी करोगे क्या? 30,000 पाते थे, आपको अभी 8,000 मिल रहा है, तो हो सकता है ना आपसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा अगर मिलेगा कंपनी तो उसको पहले नौकरी देगी ना, बंदा नहीं मिलेगा, हम ओरिजिनल ही टैलेंटेड है, बस भाई साहब यही कारण है भारत में बेरोजगारी, जो बोलते हैं ना बेरोजगार है, जो बंदा ये बोलता है ना भाई साहब हमसे टैलेंटेड कोई नहीं मिलेगा, हम स्वयंभू टैलेंटेड इंसान है, तो भाई साहब उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा ना, ऐसा करें हम ऐसा करो मोदी जी का ऊपर वाला टोपी ले कर हमें दे दे, हम उनको बेच के आएंगे लाखों रुपया, मैं सच्ची मजाक ना कर रहा हूँ, उनका टी शर्ट बनिया, भाई साहब यही बात है, हम बेच देंगे, हम वो चीज बेच देंगे, हम काम नहीं करेंगे और हमें रोजगार चाहिए, अब 8,000 भी इनको मेरे हिसाब से ज्यादा दे रहे थे उस हिसाब से, भाई साहब बोल रहे हैं कि है ना हम स्वयंभू टैलेंटेड है, हम कुछ नहीं है, भाई साहब कितने आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे होंगे स्वयंभू, है ना, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखो, हम गांव का एक मिनट सुनो मेरी बात, अब बात बोलते हैं भाई साहब की बेरोजगारी है और महंगाई है, महंगाई किस जमाने में नहीं थी,
आज 140 करोड़ की जनता है भाई साहब, आज 150 करोड़ मान लो आप, एक ही बात होगी, इस जनता को आज कितनों का पेट पालेंगे? आज बेरोजगारी है, बोल रहे हैं नौकरी सबको चाहिए, लेकिन नौकरी देने वाला किसी को नहीं बनना है। तो भाई साहब क्या सरकार देश चलाने को है या ना कंपनियां चलाने? 5 किलो राशन में सर पेट भर जाएगा, कहाँ नौकरी मिल जाएगी 5 किलो राशन में? इनसे ये जवाब पूछो। तो भाई साहब 5 किलो राशन से तो किसी का पेट नहीं भरता, तो आपको क्यों बना रहे? तो मैं राशन दिया कोरोना काल में, राशन दिया, आप बोल रहे हो मैं नौकरी को लात मारूंगा, फिर बोल रहे हो मैं बेरोजगार हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पर आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से सलमान खुर्शीद का एक वो बयान आया है जिसमें उन्होंने राम से तुलना कर दी, तो क्या दिक्कत है राम से तुलना करना? क्या दिक्कत है उनको, मतलब राम को मानने लगे, क्या दिक्कत है उसमें? तो बीजेपी वाले क्यों भड़क रहे हैं इतना? बीजेपी वाले नहीं भड़क रहा, हर हिंदू है ना, क्योंकि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं वो आज राहुल गांधी को राम बताते हैं। जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं वो राहुल गांधी को राम बताते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है देश की। वो कौन होते हैं राहुल गांधी को राम बताने वाले? जो खुद राम की धूल के बराबर नहीं है, वो आज किसी भी इंसान को उठा के राम बता देंगे, वो भी किसको? राहुल गांधी को, जिसकी पार्टी ने राम पे अस्तित्व, राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया। रावण की धूल के बराबर नहीं है राहुल गांधी, ये हकीकत है। रावण को भी हम चाहे कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, कैसे भी थे, सबसे विद्वान पंडित थे। ये भारतीय सनातन संस्कृति की एक खूबसूरती है कि अगर रावण को कोसा जाता है तो साथ में ये भी बोला जाता है कि रावण सबसे विद्वान पंडित थे। ये संस्कृति है। और अब राहुल गांधी जैसे को हम राम से तुलना करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी। तो क्यों नहीं होगी? राहुल गांधी राम नहीं, हराम है वो, तो हराम है। उसका कारण ये है, आप ये बताओ कि नेहरू से लेकर के आज तक जो इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है वो कहाँ से आई? हराम से आई। तो इसलिए राम नहीं है, ये हराम है। एक और बयान आता है सामने, बोलते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा होता है बीजेपी उसको हिंदू मुस्लिम के धर्म की तरफ, मतलब उस एंगल में मोड़ देती है हर हमेशा। अगर मुद्दे मुस्लिम मुस्लिम चलते जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्लिम मुस्लिम होता जाए तो कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम होते ही तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अरे भाई क्यों हिंदुओं के खिलाफ काम हो? हिंदू अगर जागता है तो उसमें तकलीफ किस बात की है? डेमोक्रेसी है, हर एक का अपना अपना हक है। तुम अगर बकवास कर सकते हो इधर उधर की, बॉलीवुड के अंदर, पिक्चरों के अंदर, हर एक चीज़ में बकवास कर सकते हो, तो कोई आदमी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने राम से तुलना कर दी तो उसमें दिक्कत हो रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान आता है, उसमें बोलते हैं, उसमें मोदी को राम से रिलेट करते हैं और अमित शाह को लक्ष्मण से, तो उसमें क्यों नहीं दिक्कत आती है? देखो ऐसा है कि राम और लक्ष्मण का जो वो लिया है नाम, वो उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से लिया है, उनके गुणों के हिसाब से लिया है। राम क्या करप्ट था? मोदी भी करप्ट नहीं था, मोदी भी करप्ट नहीं है, तो तकलीफ क्या है? अगर एक हराम का खाने वाले को राम की तुलना कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन है मैं। और जो सद्गुण वाला है, जो देशभक्त है, जो देश की सेवा, हर एक व्यक्ति की बिना धर्म देखे हुए सेवा कर रहा है, तो वो तो राम तुल्य ही है। अब जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा तो उनकी टी शर्ट पर आ गए, बोला कि राहुल गांधी इतनी सर्दी में टी शर्ट पहने, ये कोई मुद्दा है? आज तक मोदी की जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो सिर्फ पर्सनल लाइंस पे ही हुआ है। कभी बीवी के नाम से हुआ, कभी परिवार के नाम से हुआ, कभी उसके कपड़ों के नाम से हुआ। माताजी तक को नहीं छोड़ा गया, उनकी माताजी तक को गालियां दे दी गई, इससे बड़ा और क्या पर्सनल अटैक हो सकता है किसी नेता पे? और आज जब राहुल गांधी की टी शर्ट पे जो वो दिखावा ही कर रहे हैं ना, एक छलावा है, क्यों नहीं करेंगे बात? आज तक तो उन्होंने सारी सर्दियां हैं जो कोट पहन के निकाल दी, आज उनको कौन सा दिखावा करने की जरूरत, उनको जरूरत क्या है इस दिखावा करने की कि टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ? भाई जरूरत क्या है दिखावा करने की? क्या जरूरत है उनको, क्यों धोखेबाजी करने की जरूरत है? बोल रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं और 2024 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। आज तक इनके परिवार ने कौन से प्यार की दुकान खोली है? सन 47 में खोली क्या? देश के विभाजन करके 5 लाख लोगों का कत्लेआम करवा करके, हिंदू और सिखों का कत्लेआम हुआ 5 लाख का, प्यार की दुकान खोली थी क्या? या 84 के दंगों में लोगों को, सरदारों को जिंदा जला करके प्यार की दुकान थी क्या? कश्मीर के अंदर हिंदुओं को किस तरह से निकाला गया, प्यार की दुकान थी क्या? ये तो है ही।
कश्मीर के टाइम पे बीजेपी की सरकार थी, साहब बोल रहे हैं। ऐसा है कि ये जितना बीज बोया गया, जितना ये सब कुछ किया गया, वो सारा कुछ कांग्रेस के राज ने ही किया। यही हुआ आपके कहने का मतलब कि कांग्रेस ने सब कर रखा। 1984 में भाई ने हमारा बताया, हमें तो बेवड़ा नहीं पता है, बाकी भाई ने बताया कि 1984 में बीजेपी की सरकार थी। कहाँ थी सरकार भाई? 1991 में जब वो सॉरी कश्मीर के टाइम पे सेंटर में हाँ वो बीजेपी की सरकार पीडीपी के हाँ हाँ मुक्ति कश्मीर में नहीं भाई सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो पूछिए आगे पहली बात नहीं नहीं लौंडे की मौत हुई क्यों? सेना का बड़े बड़े अधिकारी पीछे हो गए, नए जो भर्ती हुए थे उनको आगे कर दिया। तो हत्या कर जहां तक बात करें, हम कहते हैं कि हमने 65 का युद्ध जीता। क्या जीता बताओ तो सही, क्या जीता? जितना जीता वो सारा का सारा पीओ के लिए बिना छोड़ दिया और हजारों शहीद सैनिकों को शहीद करवा दिया। क्या जीता हमने? राहुल गांधी तो बोलते हैं कि सरहद पे हमारे सैनिक मारे गए। अरे जिन लोगों ने 65 के युद्ध में सैनिकों को बेदर्दी से मरवा करके उनकी द्वारा जीती गई जमीन को छोड़ दिया, उनके कहने का हक है क्या? 77 में क्या हुआ था? 90,000 से ऊपर हमने पाकिस्तानी फौजी पकड़ा हुआ था और हमने पीओके लेने के लिए एक बार भी कहा नहीं तो वो दबाव में थे, वो दे देते। जो लोगों ने हमेशा देश को बेचा है वो आज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, सुन लो हमारी बात। आप बड़ाई लूट रहे, लूटो बहुत लूटो, बाकी देश के विरुद्ध मत लूटो। हाँ ये देश बहुत जागती हुई सर, सुनो मेरी बात। 1975 में इंदिरा गांधी गई थी बांग्लादेश के दौरे, पाकिस्तान के दौरे पे गई थी। सुन लो मेरी बात, आप हमने देखा नहीं, हमारी जन्म भी नहीं थी। 1981 में हमारी जन्म है, हमारे दादा कहते थे कांग्रेस के नेता थे, हमारा दादा यही कहते थे। 1975 में इंदिरा गांधी गई थी कहाँ? पाकिस्तान दौरा करने के लिए। पाकिस्तान दौरा करते करते वो चली गई बांग्लादेश। बांग्लादेश वहाँ देखी इंदिरा गांधी ने, बड़ी भूखमरी है, भूखी नंगे, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, आदमी गरीबी को बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की सरकार अत्याचार कर रही थी। इंदिरा गांधी लौटे, उनका दिमाग में भरस गया। बसने के बाद इंदिरा गांधी ने पहली बात उस समय 90,000 सैनिकों को थूकवा के चटवाई है इंदिरा गांधी। आप 75 की बात ये कह रहे हैं, 77 की बात मैं बोल रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है। हाँ मैं 1971 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर आते हैं, जिस तरीके से बोल रहे जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, उनको लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं और 3 तारीख को फिर से शुरू होने आ रही है गाजियाबाद से, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भाड़े के जोड़ो यात्रा है। भाड़े के लोग हैं वही सब जगह पर इनके साथ घूम रहे हैं। अंकल जी मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक देश को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, जो अभी करेंटली मोदी गवर्नमेंट है, बट वो गवर्नमेंट को अपने लाइन पे रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी चाहिए रहता है। अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट की जो मर्जी वो काम कर लेगा। तो मतलब आपका कहना है अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है? टेक्निकली अभी आप देखोगे ना 44, आप देखोगे 300 प्लस। डेमोक्रेसी में दोनों चीजें होनी चाहिए। आप एक भी पार्टी का नाम बता दो जो परिवार की दुकान नहीं है। हर पार्टियां जो है वो पारिवारिक पार्टी है। आप जिस ऑपोजिशन की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए तो उसके पास स्ट्रॉन्ग विजन भी होना चाहिए जिसको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनाया जाए। मेरा पॉइंट बट एक सिंपल से, आप क्या आप एग्री करते हो कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनेगी? स्ट्रॉन्ग विजन है आज उनके पास, बात करते हैं आज वो 24 में जीतना चाहते हैं। आज भी उनके उनको क्लियर नहीं है कि 24 का विजन क्या है। अगर आप जीतना चाहते हो तो विजन है क्या? राजनाथ सिंह का लड़का, राजनाथ सिंह एक केंद्रीय मंत्री है, उनका लड़का उत्तर प्रदेश का हाँ विधायक है, तो एक बीजेपी के टिकट पर लड़ रहा है चुनाव, तो पार्टी परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद तो हर जगह है, कांग्रेस में नहीं है क्या? नहीं, परिवारवाद का मतलब यह है परिवार पार्टी के जो मालिक हैं वो एक परिवार है। पार्टी के मालिक चाहे वो समाजवादी पार्टी है या मायावती की पार्टी है या कांग्रेस है, उनके तो मालिक ही परिवार हैं। पार्टी के अंदर कोई भी MLA टिकट अगर लेता है तो वो उसका प्रजातांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक तरीके से उसने टिकट लिया और चुनाव जीता है, वो परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद वो होता है कि जब किसी पार्टी को कोई
एक परिवार लीड कर रहा हो। बीजेपी के अंदर कोई परिवार आज तक लीड नहीं कर सका। राजनाथ सिंह का लड़का, राजनाथ सिंह का यार तुम्हें आपको पता नहीं, मैं जब चलिए 2024 में क्या बदलाव होगा इस बार की नहीं ये बताइए। हाँ बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। जितना बीजेपी 350 से भी बाहर जाएगी, 400 से भी बाहर जाएगी, क्यों ना जाएगी, बदलाव बहुत बड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से जनसमर्थन प्राप्त कर रहे हैं राहुल गांधी, बदलाव कई लोग कह रहे हैं, जनता का कहना है कि इस बार बदलाव मांग रहे हैं कि हम गवर्नमेंट इस बार बदल जाएगी, मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगी। बात यह है, बदलाव जनता मांग रही है या बदलाव राहुल गांधी मांग रहे हैं? राहुल गांधी के मांगने से बदलाव नहीं होता, बदलाव जनता के मांगने से होता है। ठीक है, जनता को जो बदलाव चाहिए वो बदलाव, राम वाली बात आ जाती है तो बीजेपी को खल जाती है, बोलते हैं राम सबके हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है जब वो उनको राम से रिलेट कर रहे हैं? दिक्कत ये है कि जिन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया उनको राम से रिलेट किया जा रहा है। दिक्कत ये है जिनकी पार्टी के नेता राम सेतु भी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, वो आज वही नेता आज राहुल गांधी को राम बताते हैं। तो दिक्कत यहाँ है, दिक्कत राम से या किसी इंसान से नहीं है, दिक्कत उन सेक्युलरवादियों से जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे, और उनसे दिक्कत आज है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। एक सवाल आता है कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है, तो पार्टी वाले बोलते हैं कि जिस तरीके से नफरत का बाजार, जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर बीच में आ जाते हैं, ये चीज़ ये नफरत का बाजार बोल रहे हैं, सही है, वर्शिप एक्ट है वो तो बहुत मोहब्बत फैला रहा है ना, वक्फ बोर्ड को जो राइट्स दिए हुए वो भी बहुत बड़ी मोहब्बत फैला रहा है कि एक हिंदू मंदिर जो इतना पुराना है, जितना पुराना शायद इस्लाम धर्म नहीं होगा, उस मंदिर को वक्फ बोर्ड अपनी जागीर बता देता है, ये तो बड़ी मोहब्बत की बात थी। ये भारत है भाई साहब, यहाँ इश्क और मोहब्बत ने और प्यार नहीं, यहाँ प्रेम चलता है। ठीक है, और वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस दिन वो प्रेम की बात करेंगे उस दिन बात होगी। मोहब्बत भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा प्रेम है। प्रेम जो है वो बहन से भी किया जाता है, प्रेम जो है वो माता से भी किया जाता है, और मोहब्बत है। आप क्या अपनी माता को बोल सकते हैं, माता मैं आपसे मम्मी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? कौन सी मोहब्बत, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना ही देश को दो टुकड़ों में बांटना और नफरत फैलाना है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में नेता अभिनेता बहुत बड़े 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 लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है बदलाव की लहर इस बार लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से कई नेता अभिनेता अभी हाल ही में दिल्ली में कमल हसन उन्होंने भी ज्वाइन किया, क्या लगता है? ऐसा है, इन्होंने 28 पार्टियां जोड़ी, कौन लोग थे वो? सब स्वार्थी तत्व थे, करप्ट पार्टीज थी उन या फैमिलीज की पार्टीज थी। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि मोदी को हटाना है और देश को लूटना है। ये उसके लिए जितने मर्जी लोगों को जोड़ते रहें, इनके साथ चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे होंगे, और कोई ईमानदार आदमी इनके साथ नहीं जुड़ने वाला। और आम आदमी को ये पता लग गया है, और इनका जो असली चेहरा है वो सब नज़र आ गया कि ये सारे बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं, और इनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि ईमानदार आदमी को हटाया जाए, बस। तो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुकी है और इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुकी है, और आने वाले समय में 3 तारीख से ये यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी जो कि गाज़ियाबाद से शुरू होगी। इस नफरत में बाजार में प्यार की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी पर कई सारे सवाल उठे थे जिनको लेकर हमने जनता के बीच उठाया और सारे सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करी। जिस तरीके से आने वाले समय में 3 तारीख की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी और उसके साथ हम पहुँचेंगे और अन्य इलाकों में, हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।